आप सभी का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि भाई आप कोरियन मूवी पे वीडियो नहीं बना रहे हैं। ब्रो बात यह है कि कोरियन मूवी इंडिया में कम ही रिलीज होती है, उनमें से ना के बराबर हिंदी में डब्ड होती है। लेकिन कोई नहीं, आज के रिव्यू में हम कोरिया की बेहतरीन एक से बढ़कर एक टॉप 7 हिंदी डब्ड मूवी लाए हैं, जिनके कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। हम सभी जानते हैं कोरिया की मूवी बेस्ट होता है या फिर सबसे बेस्ट से भी बेस्ट होता है। और खुशी की बात है, इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर कुछ मूवी के बारे में बताएंगे, जिन्हें हम बोनस मूवीज कहते हैं, जिसे आप कभी भी मिस मत करिएगा। ऐसे ही कंटेंट हम आप तक ढूंढ कर लाते रहते हैं। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो भाई लोग ये गलत बात है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए टॉप का रिव्यू टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए कोरिया की बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी की दुनिया में चला जाए। नंबर 5 की कोरियन मूवी ने प्रूफ कर दिया कि फैमिली ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब उन पे बात आती है तो सिर्फ तबाही होती है। कोरिया की तरफ से 2014 की एक्शन थ्रिलर के साथ द टारगेट मूवी की स्टोरी यंग सर्जन एक भाई और एक एबनॉर्मल लड़के की है। कहानी का ट्विस्ट तो तब आता है जब उस डॉक्टर की प्रेग्नेंट वाइफ को किडनैप होने के बाद उस एबनॉर्मल भाई को मार दिया जाता है। उसके बाद से जो मूवी में एक्शन का तबाही होता है भाई, वो देखकर मजा बहुत आता है। नो डाउट अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज के फैन है तो इस मूवी को जरूर देखिएगा, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, एक ट्राई जरूर दीजिए। नंबर 4 की कोरियन मूवी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। एक भाई ने अपनी बहन को बचाने के लिए पूरी सेना से लड़ जाता है। 2011 की कोरिया के हिस्टोरिकल एक्शन के साथ वार ऑफ द एरो। मूवी की स्टोरी 16 सेंचुरी पे बेस्ड है, जब अपने बहन की शादी के दिन ही उसे बेरहमी तरीके से किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद एक भाई अपने बहन को बचाने के लिए सिर्फ अपने तीर और कमान से पूरी सेना से लड़ जाता है। नो डाउट मूवी के स्टोरी लाइन, कैरेक्टर की एक्टिंग और वो तीर कमान के साथ वो बैटल वार काफी अच्छी है। बस मूवी 11 साल पुरानी है तो थोड़ा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना होगा, लेकिन फिर भी मूवी के कॉन्सेप्ट, लीड कैरेक्टर की एक्टिंग, वो कॉन्फिडेंस के लिए एक ट्राई देना तो बनता है। और खुशी की बात है, इस मूवी को फ्री में हिंदी डबिंग के साथ आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी यार, इस मूवी ने प्रूफ कर दिया कि अगर फैमिली पे बात आती है ना तो हर कोई सटक जाता है। ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो स्पॉइलर निकल जाएगा। कोरिया की सुपर हिट 2018 की एक्शन थ्रिलर के साथ द नेगोशिएशन। इस मूवी को एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए, खुशी की बात है ये मूवी हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। नंबर 3 की कोरियन मूवी यार, फुल सेटिस्फेक्शन वाला रिवेंज किसे कहते हैं, ये मूवी आपको एक्सपीरियंस कराएगी। आपको 10 साल के लिए जेल भेज दिया जाए उस गुनाह के लिए जो आप किए ही ना हो, ये मूवी आपको अच्छी तरह से दिखाती है। 2017 की सुपर हिट कोरियन मूवी क्राइम एक्शन के साथ फैब्रिकेटेड सिटी। मूवी की स्टोरी, आप गेमिंग वाली दुनिया में एक टीम के कैप्टन हो। एक दिन एकदम से आपको 10 सालों के लिए जेल भेज दिया जाए उस गुनाह के लिए जो आपने किया ही ना हो। उसके बाद आपकी माँ को मार दिया जाए तो आप क्या करिएगा, एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारिएगा ना। ये मूवी आपको हाई लेवल की एक्सपीरियंस कराएगी। मूवी में आपको यही देखना है कि खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए एक टीम बनाकर अपनी सारी ताकत लगा देता है, और सबसे बड़ी बात, जब विलन को एक्सपोज कर कुत्ते की तरह मारता है, वो देखकर मजा बहुत आता है। नो डाउट मूवी को हर किसी को एक्सपीरियंस करनी चाहिए। और खुशी की बात है, इसे फ्री में हिंदी डबिंग के साथ आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 2 की मूवी यार, क्या कोरिया वालों ने क्या टेंशन बिल्डअप करते हैं भाई, खतरनाक। अभी तक हमारे दिमाग में वो डर घूम रही है, मानना पड़ेगा भाई। कोरिया की खतरनाक 2021 की ड्रामा थ्रिलर के साथ हार्ड हिट यार, क्या मूवी है। आप सोचिए, अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर निकले और आपकी सीट के नीचे बम लगा हो तो आप क्या करिएगा। अगर आप सीट से उठे या गाड़ी से बाहर निकले तो मिनी सेकंड से भी कम में ये बम ब्लास्ट कर आपके चीथरे चीथरे उड़ा देगी। ऐसी टाइम पे आपका दिमाग सुन पड़ जाएगा, आपके दिमाग काम करना बंद कर देगा। और सच में भाई, कैरेक्टर की एक्टिंग में इतना दम है कि लिटरली वो टेंशन, डर, वो एंजाइटी आपको फील कराती है। मूवी देखते वक्त आपके धड़कन की मीटर हमेशा टॉप पे रहेंगी, और जब इसके पीछे का मास्टरमाइंड, इसके पीछे का मिस्ट्री पता चलता है तो आपकी सोच बदल जाती है। बस हमको एक ही बात खटका कि पुलिस भी इसी फैमिली को दोषी समझ रही है। अपने फैमिली के साथ ऐसा कौन करता है। बाकी मूवी को चेक देखिए, मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी यार, कोरिया की इमेजिनेशन और नेटफ्लिक्स की फ्रेश क्वालिटी कंटेंट का कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो सिर्फ मूवी नहीं, मास्टरपीस मूवी बनती है। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2020 की खतरनाक, दिमाग घुमा देने वाली कॉन्सेप्ट के साथ द कॉल। भाई मूवी की क्या ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, जिसे रॉटेन टोमेटो जैसी प्लेटफॉर्म पे 100% की वोटिंग मिली है। ऐसी मूवी को डेफिनेटली एक ट्राई जरूर करिएगा। मूवी नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है।
नंबर वन की मूवी के बारे में क्या बताएं, सुपर हिट आउटस्टैंडिंग स्पीचलेस जैसी वर्ड इसके लिए कम पड़ेगा। डिसेंडेंट ऑफ द सन और वेसेंजो के बाद इनकी एक्शन, इनकी एटीट्यूड और स्वैग का कोई एक बंदा ना होगा जो इनका फैन ना होगा। जी हाँ, हम बात करें 2017 की कोरिया की सुपर हिट मूवी वार एक्शन के साथ सॉन्ग जो इनकी द बैटल शिप आइलैंड। इस मूवी की सबसे बड़ा खासियत है भाई इसके ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होना। कोरिया के 400 लोगों को बंदी बनाकर जापान के हसीमा आइलैंड पे मजदूर बना के रखा जाता है। इन्हीं के बीच एक मसीहा उठ खड़ा होता है। वो कहते हैं ना, अपनी देश के प्रति वो देशभक्ति वाली फीलिंग काफी कमाल की होती है। अपने देश के लोगों को किसी और के देश से बचा कर लाना, सिर्फ 2 घंटे में ये मूवी आपको उस लेवल की एक्सपीरियंस करा देगी। अगर आप कोरियन मूवी के फैन हैं और इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप कुछ नहीं किया। इस मूवी को डेफिनेटली एक बार जरूर ट्राई करिएगा और खुशी की बात है इसे फ्री में आप हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट हम ढूंढ कर आप तक लाते रहते हैं भाई लोग, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।